स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन इज़ फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. नाउ आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड द प्लेस वैल्यू. सो फर्स्टली यू कैन सी 8 इज़ इन द वंस प्लेस. सो वी विल राइट 8 वंस. 4 इज़ इन द टेंस प्लेस. सो वी कैन राइट 4 टेंस. एंड 9 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस. सो वी कैन राइट 9 हंड्रेड्स. 8 वंस मीन्स 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8. 4 टेंस मीन्स 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40. 900 मीन्स 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 900. आपको जो वंस की प्लेस पर नंबर होता है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेंस की प्लेस पर नंबर होता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जो हंड्रेड्स की प्लेस पर नंबर होता है उसकी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हम अपनी प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं. नाउ इन 243 3 इज़ इन द वंस प्लेस. सो वी कैन राइट 3 वंस मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3. 4 इज इन द टेंस प्लेस. सो 4 टेंस. 4 टेंस मीन्स 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40. 2 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस. सो वी कैन राइट 2 हंड्रेड्स. 2 हंड्रेड्स मीन्स 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200. अगर हमें जब भी हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी होती है तो हम ऐसे ही निकालते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर है, फिर उसके उस प्लेस के अकॉर्डिंग ही हम मल्टीप्लाई कराते हैं और प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं. जो नंबर वंस की प्लेस पर होता है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेंस की प्लेस पर होता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जो हंड्रेड्स की प्लेस पर होता है उसकी 100 से मल्टीप्लाई. सो स्टूडेंट्स, फिल इन द प्लेस होल्डर्स. आपको इसमें प्लेस होल्डर्स फिल करने हैं. इन 537 7 इज एट द, आपको पूछा गया है 537 में 7 किस प्लेस पर है. हमने आपको समझाया है जो आपकी फर्स्ट प्लेस पे नंबर होता है वो वंस की प्लेस होती है, सेकंड प्लेस पर जो नंबर होता है वो टेंस की प्लेस होती है, एंड जो थर्ड प्लेस पर नंबर होता है वो हंड्रेड की प्लेस पर होती है. सो स्टूडेंट, 7 किस प्लेस पर है? वंस की प्लेस पर है. सो 7 इज एट द वंस प्लेस. इन 916 9 इज एट द, 9 किस प्लेस पर है? लेट्स सी स्टूडेंट्स, वंस टेंस हंड्रेड्स. 9 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस. इट्स प्लेस वैल्यू इज, जब 9 आपका हंड्रेड्स की प्लेस पर है तो 9 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 900. इन 973 7 इज एट द वंस टेंस, टेंस प्लेस. इट्स प्लेस वैल्यू इज 70. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 725 इज, आपको पूछा गया है 725 में 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, वंस टेंस. 2 इज इन द टेंस प्लेस. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20. प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 679 वंस टेंस. 7 इज इन द टेंस प्लेस. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70. प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 479 9 इज इन द वंस प्लेस. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नंबर 948 प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज. आपको 948 में 9, 4 एंड 8 तीनों की प्लेस वैल्यू बतानी है. सो हम देखेंगे तीनों की प्लेस वैल्यू. 8 इज इन द वंस प्लेस, 4 इज इन द टेंस प्लेस एंड 9 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 900. द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, 948. इन द नंबर 375 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज. सो 5 इज इन द वंस प्लेस, 7 इज इन द टेंस प्लेस एंड 3 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300. द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज